नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर में। लेट्स स्टडी टुगेदर में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। अभी हम देखो जो पढ़ रहे थे, जैसे पिछला हमने जो चैप्टर लिया, जो हिस्ट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लिया, अभी हम चालू करने वाले श्रृंखला, ये जो श्रृंखला होगी इसमें हम सिविल रिबेलियंस की बात करेंगे, मतलब नागरिक विद्रोहों की बात करेंगे। यहां से सवाल बड़े आते हैं, चाहे बात कर लो यूपीएससी चाहे पीसीएस की बात कर लो, यहां में यहां से बड़े सवाल आते हैं। तो अभी लेंगे सिविल रिबेलियंस, और सिविल रिबेलियंस में मतलब नागरिक विद्रोह में, नागरिक विद्रोह के कई सारे सेक्शंस हैं। नागरिक विद्रोह के सेक्शन जैसे पहला ट्राइबल मूवमेंट्स, जनजातीय जनजाति विद्रोह, ट्राइबल मूवमेंट्स जनजाति विद्रोह। दूसरा है इसमें पीजेंट मूवमेंट, या मैं बोलूँ इसको जमींदार मूवमेंट, जमींदार विद्रोह। तीसरा है पीजेंट मूवमेंट या किसान विद्रोह, पीजेंट मूवमेंट किसान विद्रोह। इस तरीके जितने भी नागरिक विद्रोह हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के, इनको क्रमबद्ध तरीके से हम पूरा करते चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्राइबल मूवमेंट पे है, हमारा जनजातीय विद्रोह पर है। जनजातीय विद्रोह भारत में कोई पहला, मतलब ये बाद में अचानक विद्रोह नहीं था, ये काफी सालों से चलता हुआ आ रहा था। क्योंकि जनजातियां अपने संरक्षण के लिए, अपने क्षेत्र के संरक्षण के लिए वो हमेशा से विद्रोह करते आए थे, और कुछ ऐसा सिनेरियो था। तो चलिए देखते हैं कि ट्राइबल मूवमेंट्स में कौन कौन से मुख्य थे और कौन कौन से उसमें मुख्य नेता थे, किस वर्ष में हुआ। देखो आपके लिए जानना ये जरूरी है, पहला किस वर्ष में हुआ, एक उसके लीडर्स कौन थे, उसके नेता कौन थे, ये आपके लिए जानना जरूरी है। और तीसरा उसकी कोई मुख्य विशेषता हो, जैसे एक सबसे बड़ा चलने वाला हो, या सबसे बड़ा सबसे विशेषता हो, या सबसे पहला हो। तो ये तीन बातें हमें इनमें कवर करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं। हम बात कर रहे थे सिविल रिबेलियंस की, नागरिक विद्रोह की। मैंने बताया था नागरिक विद्रोह हमारा चैप्टर होगा, और नागरिक विद्रोह में सबसे पहले अपना है ट्राइबल मूवमेंट, मतलब जनजातीय विद्रोह, जनजाति विद्रोह, ट्राइबल एरियाज में। पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या कारण थे विद्रोह के। सबसे पहला कारण है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ब्रिटिश सरकार की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, जो जमीन की से जो राजस्व की नीति थी, जमीन राजस्व, भू राजस्व बोलू इसको मैं, भू राजस्व नीति, पहला ये कारण था भू राजस्व नीति। बिकॉज पर्टिकुलरली परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 AD वॉज अ सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर ट्राइबल मूवमेंट। परमानेंट सेटलमेंट 1793 याद रखना। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट द गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस फॉरेस्ट लॉज इन 1840 AD प्रोहिबिटिंग पोडू डूलिवेशन, मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन, झूम खेती, इम्पोज टैक्सेस ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड बार्ड द कस्टम ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिस बाय खोंड्स ऑफ उड़ीसा एंड गोंड्स ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या क्या करा, एक तो उन्होंने पोडू डूलिवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दिया फॉरेस्ट लॉ 1840 लगाकर, और इन्होंने कर भी लगा दिए। जो जंगल से उत्पाद थे, जो जंगल के जो उत्पाद थे, जो जंगल से उत्पादन होता था, उन पे कर भी लगा दिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ कस्टम्स में, कुछ इनके जो कस्टम थे, कुछ इनके जो रीति रिवाज थे, कुछ इनके जो रीति रिवाज थे, इन पर भी रोक लगाई, इन पर रोक लगाई। जैसे मानव त्याग दिया जाता था, ह्यूमन सेक्रीफाइस करा जाता था, खोंड्स जो उड़ीसा के खोंड्स थे उनके द्वारा, और गोंड्स के द्वारा जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। तीसरा, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद पुलिस कोर्ट्स एंड लॉयर वॉज ऑल्सो बीन रजिस्टर्ड बाय द ट्राइब्स। जनजातियों द्वारा जो ये नए सिस्टम जो आए थे, पुलिस का नया तरीका आया, कोर्ट नए आए, लॉयर, ये भारत के लिए, भारतीय जनजातियों के लिए बहुत नया था। इसलिए विद्रोह विद्रोह बिल्कुल इसमें शोर शोर था कि विद्रोह तो हो गई। और इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरी भी एक्टिविटी खूब कर रही थी यहां पे, क्रिश्चियन मिशनरी ने काफी सारे काम किए, इसलिए क्रिश्चियन मिशनरी। और जब बात आती है रिलीजन की, तो रिलीजन में तो फिर सारी दिक्कतें होती हैं। अब पॉपुलर ट्राइबल रिवोल्ट देखते हैं, मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट देखते हैं, जनजातीय विद्रोह देते हैं। पहला है चोर्स,
चोर्स में जो मुख्य नाम था वो था मराभम एंड दनाभ्रम, वर द फर्स्ट टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन 1769 AD. चोर जनजाति, चौर्स जनजाति आंदोलन, ये पहला आंदोलन था ब्रिटिश के, ब्रिटिश भू राजस्व नीति के खिलाफ. किसके खिलाफ? ब्रिटिश भू राजस्व नीति के खिलाफ यह पहला आंदोलन था. और इसमें मुख्य कौन था? मराभम एंड दनाभ्रम. याद रखना, मनाभ्रम एंड दनाभ्रम चोर्स में थे. आगे आते हैं खासी. खासी से जो खासी जनजाति है जो आसाम में पाई जाती है, इसने 1828 में, देखो सबसे पहला ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी मतलब ब्रिटिश भू राजस्व नीति के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किसने किया? चोर्स ने किया. बाद में आते हैं खासी. खासी ने 1828 से लेकर 1832 एडी तक इन्होंने रिवोल्ट किया, अंडर विद्रोह किया अंडर द लीडरशिप ऑफ तीरुथ सिंह. याद रखना, खासीज ने किसके अंडर अंडर में रिवोल्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए. क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहां से बेटा जी सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तीरुथ सिंह ने आपका खासी जनजाति आंदोलन की संकल्पना की, ये लीडर थे. एंड दर्मनिक अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ आर्मी इन द एजेंसी एरिया. और इन्होंने किसके खिलाफ करा था? जो आर्मी थी एजेंसी, वो ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी और आर्मी का जो प्रेजेंस था उसके खिलाफ करा था. याद रखना आपको, खासी कहाँ हुआ? आसाम में हुआ. कब हुआ? 1828 में. क्योंकि आपको कई बार मैच द फॉलोइंग दे दिया जाता है, जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वो आपको मैच द फॉलोइंग्स दे दिया जाएगा, वहां आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी. ये 1769 AD में हुआ, ये बार 1828 में हुआ. तीरुथ सिंह इसके अध्यक्ष थे. फिर तीसरा है केल्स, जो कि छोटा नागपुर में जनजाति जो पाई जाती है. केल्स ने छोटा नागपुर में किया और वर्ष 1832 में किया. और इनके जो लीडर थे वो थे बूढ़ो भगत. कौन था? बूढ़ो भगत. और जो इन्होंने विद्रोह किया वो किया था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, मतलब ब्रिटिश अपने जो साम्राज्य को जो बढ़ाई जा रही थी उसके खिलाफ किया. इसका नाम क्या था लीडर का? बूढ़ो भगत. और क्या नाम था इस जनजाति आंदोलन का? केल्स, मतलब केल जनजाति थी. और कहां हुआ? छोटा नागपुर में. आ जाते हैं कोंडा. कोंडाज ने करा उड़ीसा में, रिवोल्टेड इन 1846 अंडर द लीडरशिप ऑफ चक्रा बेसाई. याद रखना, कोंडाज ने किसके कोंडाज ने किसके लीडरशिप में विद्रोह किया? चक्रा बेसाई के में किया. किसके खिलाफ किया? अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस, जो ब्रिटिश नीति थी इंटरफेरेंस की, जो हस्तक्षेप की जो नीति थी, ब्रिटिश हस्तक्षेप की जो नीति थी उसके खिलाफ. व्हेन लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट बार द कस्टम ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, हमने सबसे ऊपर देखा था कि इन्होंने फॉरेस्ट लॉ में जो भी चेंज किया कुछ ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में भी, कोंडाज एंड गोंडाज जो आंध्र प्रदेश के थे, उनके जो ह्यूमन सेक्रीफाइस एक कस्टम था, उनकी जो प्रथा थी, उनका जो रीति रिवाज था, उसको बंद कर दिया गया. आगे देखते हैं कचनगा. ये कांचेर डिस्ट्रिक्ट आसाम में, कहां? कांचेर डिस्ट्रिक्ट कचनगा. 1882 में, माफ कीजिएगा मैं यदि कहीं नाम गलत ले रहा हूं तो आप कमेंट कर देना नीचे. रिवोल्टेड अंडर द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अंडर द लीडरशिप ऑफ संबुदान. किसके अंडर? संबुदान के अंडर कचनगा, जो कांचेर डिस्ट्रिक्ट आसाम के अंदर विद्रोह किया गया. छठवा है कोया. कोया गोदावरी एजेंसी एरिया इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में रिवोल्टेड इन 1992, माफ कीजिएगा ये 1922 है, ये 1922 है. 1923 एट छोड़ावरण अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सेथा रामराज. ये याद रखना, अजीब सा जो नाम हो यूपीएससी के लिए फेवरेट हो जाता है. कोया रिवोल्ट किसके? अतूरी सेथा रामराज अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज एंड द एक्सप्लोइटेशन ऑफ ट्राइब्स बाय द ट्राइबल चीफ्स गोल्ड मुठदार्स. मुठदार्स जो ट्राइबल जो चीफ होते थे, जो जनजाति मुखिया होते थे, इनके द्वारा जो एक्सप्लोइटेशन होता था ट्राइब का, जनजातियों का एक्सप्लोइटेशन होता है, इसके खिलाफ हुआ था. सीतारामराज ने इसमें अटैक किया ब्रिटिश पॉलिसीज को, और किल ऑफिसर को भी किल्ड किया इन्होंने. बेसिकली चिंटापाली पुलिस स्टेशन विच कोया फॉलोअर्स किल्ड नोटोरियस ऑफिसर बेस्टियन रुथफोर्ड. ये फेमस था, बड़ा मतलब अत्याचारी एक पुलिस वाला था, और ये कमिश्नर था बेसिकली, जो सीता रामराज के खिलाफ जो
ऑपरेशंस होते थे उनका कमिश्नर होता था, और इस तरीके से और बाद में सीता इसको राजू वॉज असैसिनेटेड एट कोयागुडम, ये आपको जरूर याद रखना है पूरा। आप पोज करिए, वापस जाइए, इसको याद करिए। सातवां देखते हैं मुंडा अपरेजिंग, मुंडा रिवोल्ट, जिसको मुंडा रिवोल्ट भी बोलते हैं, मुंडा विद्रोह भी बोलते हैं। 1900 ईस्वी में इन्होंने लीडरशिप बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप थी, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा अपराइजिंग होती है, मुंडा रिवोल्ट होता है अगेंस्ट द क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज इन द एजेंसी एरिया। इन्होंने यहाँ पे जो मुख्य विद्रोह का कारण था मुंडा अपराइजिंग का या मुंडा विद्रोह का, वो था एक तो यहाँ पे जो जमीन के जो हक होते हैं, सोयल के, मिट्टी के जो हक हैं, उसके कारण, और दूसरा यहाँ पे एक्सटेंसिवली क्रिश्चियन मिशनरियां बहुत काम कर रही थी तो इनके खिलाफ हुआ था। तो दो इसमें बड़े थे, बिरसा मुंडा ने एक नया कल्ट बनाया जिसका नाम था सिंगा बोंगा। क्या नाम था? सिंगा बोंगा, एंड स्टार्टेड द सन्स ऑफ सोयल मूवमेंट कॉल्ड उलगुलर, सन्स ऑफ सोयल। देखो ये सन्स ऑफ सोयल से एक सिद्धांत है, वो यह कहता है कि हम इस मिट्टी के में पैदा हुए तो इस मिट्टी के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको संरक्षित रखे, यदि और कहीं से कोई और किसी क्षेत्र से कोई व्यक्ति आता है तो उसे यहां पे जगह नहीं दी जाएगी। इसे बोलते हैं सन्स ऑफ सोयल मूवमेंट। ये इसका कुछ अच्छा पक्ष भी है और इसका कुछ खराब पक्ष भी है। देखो इससे एक तो क्षेत्रवाद बढ़ता है, पहला इसका खराब पक्ष तो बताऊं तुम्हें सन्स ऑफ सोयल से, दूसरा इससे भाई संरक्षण भी होता ही है। अब 1900 ईस्वी में ही उसे पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह डिपोर्ट कर लिया गया। बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो बिरसा मुंडा थे इन्होंने एक नया कल्ट बनाया जिनका नाम था सिंगा बोंगा, और इन्होंने सन्स ऑफ द सोयल मतलब मिट्टी के पुत्र, मिट्टी पुत्र मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया। अब आते हैं नाइकाडाज, पंचमहल हिल्स जो गुजरात में है, नाइकाडाज भी रिवोल्ट हुआ, नाइकाडा ट्राइबल्स का, अंडर द लीडरशिप ऑफ रूप सिंह एंड जारिया भगत। कौन कौन? रूप सिंह एंड जारिया भगत, अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म एंड इंटरफेरेंस। जो ब्रिटिश नीति थी, विस्तारवादी जो नीति थी ब्रिटिशर्स की, या मैं बोलूं हस्तक्षेप की जो नीति थी, इनके खिलाफ नाइकाडाज ने पंचमहल हिल गुजरात के अंदर रिवोल्ट किया। दे डिक्लेयर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड इंडिपेंडेंट ट्राइबल किंगडम, इन्होंने दूसरा आजाद ट्राइबल किंगडम बना लिया विद रूप सिंह एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड जारिया एज द हेड ऑफ द रिलीजन। इसमें दो काम किए गए, एक तो हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया, हेड ऑफ द स्टेट किसको बनाया, रूप सिंह को बनाया, एक बनाया गया हेड ऑफ द रिलीजन मतलब धर्म के अध्यक्ष भी बनाए गए, वो किसको बनाया गया, जारिया को बनाया गया। अब आते हैं नोवा ओरोन्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओरोन्स जो ट्राइबल थी और वो ओरोन्स जो जनजाति थी, इसका भी विद्रोह बड़ा फेमस है। इसमें जो लीडरशिप थी वो थी जात्रा भगत की थी, किसकी थी, जात्रा भगत। स्टार्टेड रिफॉर्म मूवमेंट कॉल भगत मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगत मूवमेंट किसने चालू की, शुरुआत की थी, जात्रा भगत ने शुरुआत की थी। एंड ऑल्सो तना भगत मूवमेंट प्रीचिंग मोनोथिज्म की, एक ही ईश्वर है, मोनोथिज्म वो होता है मतलब एक ही भगवान है। तना भगत मूवमेंट भी इन्होंने ही शुरुआत की, किसने, जात्रा भगत ने, भगत मूवमेंट की भी शुरुआत इन्होंने की। लेटर इट बिकेम एंटी ब्रिटिश एंड पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, और बाद में ये ब्रिटिश विरोधी हो जाते हैं और भारत की स्वतंत्र राजनीति के अंदर एक पूर्ण रूप से सहयोग देने लगते हैं। आता है दसवां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संथाल, ये तो बड़ा फेमस है, संथाल जो जनजातीय विद्रोह हुआ था या संथाल विद्रोह हुआ था, ये बहुत फेमस है। ये राजमहल हिल्स इन बिहार में हुआ, 1854 एडी से 1856 ईस्वी तक चला। ये ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को मतलब ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों को विद्रोह में हुआ, और जो इनकी लीडरशिप थी वो थी सीडू एंड कानू, मतलब संथाल परगना का जो नेतृत्व किया, संथाल यदि जनजातीय विद्रोह में जो विद्रोह हुआ जनजाति में, उसका नेतृत्व किसने किया, सीडू और कानू ने किया। दे डिफिटेड ब्रिटिश आर्मीज, और ब्रिटिश आर्मीज को इन्होंने हरा दिया जो कि जनरल बोरो के अंडर में थी, और डिक्लेयर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट ट्राइबल किंगडम इन मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत में पहली आजाद जनजातीय किंगडम, जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जनजातीय राष्ट्र घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा, संथाल्स के द्वारा जो सीडू और कानू में था। हमने देखा दूसरा कौन था, नाइकडाज, अभी देखा था नाइकडाज ने जात्रा भगत, ठीक है, उसमें माफ कीजिएगा जात्रा भगत नहीं थे, उसमें भी एक भगत थे, वापस चलते हैं एक बार कन्फर्म कर लेते हैं,
नायका डांस नहीं करा था और अंडर द लीडरशिप ऑफ रूप सिंह एंड जायरा भगत, हाँ जायरा भगत, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। ये पहला बेसिकली द इम्पोर्टेंस, जो रिवोल्ट का इम्पोर्टेंस क्या है उसे समझ लेते हैं। ये जो क्षेत्र था ये भागलपुर और रतना के बीच का क्षेत्र था, इसके अंदर दौरान ये हुआ था। एंड इट वॉज द फर्स्ट रिवोल्ट दैट एक्सप्लोडेड द मिथ ऑफ यूरोपियन इनविजिबिलिटी, इनविंसिबिलिटी, जो यूरोपियन को ना हरा पाने का जो एक लोगों के अंदर मिथ था, लोगों के अंदर जो सोच थी, इसको इन्होंने तोड़ दिया। और ये पहला इंडिपेंडेंट ट्राइबल किंगडम था, मैं फिर से बता दूं आपको, पहला ट्राइबल इंडिपेंडेंट किंगडम था। दूसरा आपने नायकडास पढ़ा था। द रिवोल्ट हैड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन 1857 सिपोई म्यूटनी, जो 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस पे इसका सीधा सीधा फर्क पड़ा था। अब आते हैं सावरा, सायराकुलम अंसोल एरिया आंध्र प्रदेश में, जिन्हें लेड करा जाता है, नेतृत्व दिया जाता है दूंदा सेना अगेंस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ। जो ब्रिटिश जो जंगल के जो नियम थे, ब्रिटिश फॉरेस्ट जो लॉ थे, इनके खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज में इन्हें ये कहा गया कि जंगल के जो उत्पाद हैं उन पे आपका कोई हक नहीं, इसलिए ये ज्यादा हुआ था। आता है सवाल नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, नेक्स्ट पे थोडू मूवमेंट। थोडू और कुकी मूवमेंट ये मणिपुर में हुआ, ये इसे लेड करती है रानी गाइडलुनी। देखो रानी गाइडलुनी बहुत फेमस है, प्रधानमंत्री जब नेहरू होते हैं इंडिपेंडेंस पे, तो उससे पहले इनको जब ब्रिटिश इंडिया लास्ट में था तो इन्हें जेल में भेज दिया जाता है। कुल मतलब कम उम्र में, सबसे कम उम्र की स्वतंत्रता सेनानी थी रानी गाइडलुनी, और इसके नाम पर सिक्के भी चलाए भारत सरकार ने, अभी भी इस वर्ष भी सिक्के भी चलाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हर कजिन जोदानगा अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन एजेंसी एरिया, ब्रिटिश इम्प्रिजन्ड रानी गाइडलुनी इन विच रिलीज इन 1957 एंड वॉज कॉल्ड एज अ डॉटर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इन्हें भारतीय आजादी की पुत्री कहा गया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है रानी गाइडलुनी। और फिर हुआ भील्स मूवमेंट, भील्स मूवमेंट होता है गोविंद गुरु अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का ब्रिटिश रिवेन्यू पॉलिसी, गोविंद गुरु का जो भील मूवमेंट है, जो भील विद्रोह है, ये भी बड़ा फेमस है। ये राजस्थान में हुआ और यहाँ पे भी एक जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा, मानगढ़ की पहाड़ी पर अत्याचार हुआ, गोलियां चली, कई लोग मारे गए थे, काफी फेमस था। फिर आता है चेंचू मूवमेंट, मतलब चेंचू जनजाति विद्रोह, नेल्लामाला हिल जो आंध्र प्रदेश में है यहां पे हुआ। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ अंडर द लीडरशिप ऑफ के हनुमानथू, क्या नाम है था उसका, के हनुमानथू, ही ऑर्गेनाइज पलानाडू, मतलब पलानाडू मीन्स फॉरेस्ट सत्याग्रह अगेंस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सत्याग्रह किसने ऑर्गेनाइज करे, पलानाडू ने किए, कहा नेल्लामाला हिल्स आंध्र प्रदेश चिंचू विद्रोह के दौरान। ये सारी के सारी आपकी हमने जितनी भी बात करी, अब देखो अब मैं बता देता हूं इसको एक बार, ये वीडियो ऑडियो वीडियो कैसे काम आएगा, एक बार वीडियो देख लो, और जब भी आप खाना वाना खाते रहते हो या एक्स्ट्रा कैरिकुलर और कुछ कर रहे हो, बैठे हो और कुछ सोच रहे हो, तो बस इसको चला के छोड़ दीजिए, आपको जितना भी मैं बोल रहा हूं ये सारा याद होता जाएगा। एक बार सुनो, दो बार सुनो, तीन बार सुनो, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ये। और आपको किसी में भी चीज में भी दिक्कत आती है, देखो यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं, आपको यूपीएससी के को भी ध्यान में दिया जा रहा है, पीसीएस को भी ध्यान में दिया जा रहा है, और जो वन डे पुलिस जैसे एग्जाम्स होते हैं, कॉन्स्टेबल एसआई के एसआई जैसे एग्जाम्स होते हैं, इनको भी ध्यान में दिया जा रहा है। अब बात करते हैं, हमने बात करी ट्राइबल मूवमेंट्स की, हमने देखा कि किस तरीके से ट्राइबल मूवमेंट्स ने इन सारी चीजों को सुधारा, और बेसिकली ट्राइबल मूवमेंट्स के कारण एक 1857 की जो क्रांति थी उसे भी एक तरीका मिला, एक बेसिकली उसे एक वे मिला, मतलब किस तरीके से करना पड़ेगा, किस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये थे हमारे मुख्य मुख्य नागरिक विद्रोह। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को भेजें, उन्हें भी दिखाएं ये सारी चीजें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार, और अगले हिस्ट्री के जो टॉपिक होगा अपना होगा, जहां तक है जमींदार मूवमेंट्स, कौन सा होगा, जमींदार मूवमेंट्स। थैंक यू सो मच।